गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। शर्त या संकेत या कल्पना सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे शर्त प्रकट होती है, कोई संकेत दिया जाता है या सपोजिशन, कोई कल्पना व्यक्त की जाती है। ऐसे वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार से अनुवाद करते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे वाक्य जिनसे शर्त, संकेत या कल्पना का बोध होता है, यानी इन वाक्यों से शर्त प्रकट होती है, संकेत प्रकट होता है या कल्पना का भाव व्यक्त होता है। पहले यहां शर्त है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल, तो तुम सफल हो जाओगे, या यू विल सक्सेड, तुम सफल हो जाओगे। दूसरा है, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने मित्रों से मिलूंगा। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने मित्रों से मिलूंगा। इफ आई गो टू दिल्ली, इफ आई गो टू दिल्ली, आई विल मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों से मिलूंगा। यहां लिखा हुआ, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं अपने मित्रों से मिलूंगा। इफ आई गो टू दिल्ली, आई विल मीट माई फ्रेंड्स। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। एक भाग में यदि, अगर का प्रयोग होता है, यानी इन वाक्यों के दो भाग होते हैं। एक भाग में यदि या अगर का प्रयोग होता है, जैसे यदि तुम परिश्रम करो, और इस भाग से शर्त प्रकट होता है, यदि तुम परिश्रम करोगे, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, इनमें यदि और अगर आता है और इनसे शर्त प्रकट होती है। इस प्रकार के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि शर्त पूरा होने की संभावना बहुत कुछ है, बहुत अधिक है। यानी ऐसे वाक्यों से यह पता चलता है कि शर्त पूरे होने की संभावना बहुत कुछ है, बहुत अधिक है। बनता कैसे है, तरीका क्या अपनाते हैं, सारे और दूसरा जो भाग होता है शर्त प्रकट करने वाले के बाद का, उससे रिजल्ट व्यक्त होता है, यानी उसका परिणाम आता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे, इसे शर्त पूरा किया गया और दूसरा परिणाम है, सफल हो गए। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, यह शर्त है, मित्रों से मिलेंगे, उसका परिणाम है। रूल्स, सबसे पहले इफ लगाइए, फिर सपोजिशन सेंटेंस क्लास, सपोजिशन क्लास, यस मतलब कंडीशनल क्लास, इफ सपोजिशन कल्पना है ना, यदि तुम परिश्रम करोगे, ये तो कल्पना की जा रही है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है इन प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसका ट्रांसलेशन होगा। और उसके बाद पीसी प्रिंसिपल क्लास लिखेंगे, या इन फ्यूचर सिंपल में होगा, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होगा। जैसे यहां देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो बना किस में है, इफ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। और दूसरा वाला वाक्य यू विल बी सक्सेसफुल, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में बना है, और तो के लिए कामा का प्रयोग कर दिया गया है। कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत तो की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। नोट नंबर एक, हिंदी वाक्यों में आश्रित उपवाक्य, हिंदी वाक्यों में आश्रित उपवाक्य यानी कंडीशनल क्लॉज भविष्यत काल में रहता है। जैसे यहां दिया परिश्रम करोगे, भविष्यत काल में रहता है, पर अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अंग्रेजी बनाई जाती है।
कैसे प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टाइम का बोध होता है। करा हिंदी में कंडीशनल व्यक्त करने वाला, शर्त प्रकट करने वाला आश्रित, यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी बनती है सिंपल प्रेजेंट में, और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, यानी फ्यूचर टाइम इसे व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, बना किस में है, इफ यू वर्क हार्ड, नॉट विल वर्क हार्ड, यानी विल नहीं लगाएंगे। यदि तुम परिश्रम करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, इफ आई गो टू दिल्ली, नॉट विल या शैल गो टू दिल्ली। नोट नंबर दो, यदि वाक्य के ऐसे वाक्यों के तो का अनुवाद होता ही नहीं, इसलिए अंग्रेजी में देन का प्रयोग मत कीजिए। ऐसे वाक्यों में तो का अनुवाद नहीं होता, इसलिए देन का प्रयोग गलत है, देन का प्रयोग ना करें। इसके बदले में कामा से काम चल जाता है, यानी तो के जगह पर कामा लगा दिया जाता है, पूरा हो जाता है। नोट नंबर तीन, यदि हिंदी के ऐसे वाक्यों में कभी कभी अगर या यदि का प्रयोग नहीं होता है, करा हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे दिए जाते हैं जिसमें कभी कभी यदि या अगर का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं इफ का प्रयोग अवश्य करते हैं। हिंदी में कभी कभी ऐसा होता है कि यदि या अगर नहीं लिखा जाता, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करोगे, जब अंग्रेजी बनाएंगे, तो उसमें इफ अवश्य रहेगा। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, इसमें यदि नहीं है, सीधे है तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब दूसरा मॉडल देखिए, इस कमरे में, यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सब भाग खड़े, यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सब भाग खड़े हो। इफ ए घोस्ट अपियर्ड, इफ ए घोस्ट अपियर्ड, सेकेंड फॉर्म में देखने लगा हुआ अपियर्ड, इफ ए घोस्ट अपियर्ड इन दिस रूम, ऑल वुड फ्ली अवे, सब भाग जाए, ऑल वुड फ्ली अवे। अब यह है कि यहां सिंपल पास्ट क्यों लगा अपियर्ड, इसलिए कि यह काल्पनिक शर्त है, कल्पना की गई है, जिसके पूरा होने की संभावना नहीं के बराबर है, जीरो है। दूसरा, अगर मैं पक्षी हूं तो तेरे पास उड़ आऊं, अगर मैं पक्षी हूं तो तेरे पास उड़ आऊं, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्ली टू यू, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लू विथ यू। तीसरा, यदि मैं राजा हूं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं, यदि मैं राजा हूं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं, इफ आई वेयर ए किंग, इफ आई वेयर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊं, आई वुड मेक यू माई क्वीन। यदि सभी लड़के बंदर हो जाए तो सब बगीचे नष्ट हो जाए, अगर सभी लड़के बंदर हो जाए तो सभी बगीचे नष्ट हो जाए। इफ ऑल द बॉयज बिकेम मंकीज, If all the boys became monkeys, all archers would be destroyed, नष्ट हो जाए। If all the boys became, past indefinite tense में, If all the boys became monkeys, अगर सभी लड़के बंदर बन जाए, all the archers would be destroyed। ऐसे वाक्यों के दो भाग, एक भाग में यदि अगर आता है और इसे शर्त का बोध होता, जिसके पूर्ति होने की संभावना नहीं के बराबर होती। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं, एक भाग में यदि या अगर आता है और इसे शर्त का बोध होता है और जिसके पूरा होने की संभावना नहीं के बराबर होती है, और दूसरे में उसका रिजल्ट प्रकट किया जाता। रूल्स क्या है, सबसे पहले इफ लगाइए, तब सपोजिशन क्लास, सपोजिशन क्लास किस में होगा, पास्ट सिंपल में होगा, इसलिए देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है
where या became या appeared, ऐसे करके became past tense में where लगा हुआ। तो if supposition clause यानी past tense में, फिर PC principal clause in past simple। नोट, ऐसे वाक्यों में इफ ही आई ही सी के साथ वेयर का प्रयोग होता है, यानी ऐसे वाक्यों में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर कोई भी सब्जेक्ट हो तो वेयर लगता है, वॉस का नहीं। नंबर दो, ऐसे वाक्यों का इफ छिपाया भी जा सकता है, यानी ट्रांसलेट करते समय ऐसे वाक्यों का इफ को छिपा सकते हैं, तब वाक्य वेयर से प्रारंभ होता है। और ऐसे वेयर से यदि या अगर का बोध होता है, यानी ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय इफ को छिपाया भी जा सकता है, लेकिन तब वाक्य की शुरुआत वेयर से होगी, कर्ता उसके बाद आएगा और उस वेयर से शर्त प्रकट होती है। जैसे यदि मैं पक्षी हूं, वेयर आई ए बर्ड, वेयर आई ए बर्ड। यदि वह राजा हो जाता, वेयर ही ए किंग। यदि वह राजा हो जाता, वेयर ही ए किंग। ऐसे वाक्य वेयर के बदले शुड से भी आरंभ हो सकते हैं, ऐसे वाक्य वेयर के बदले शुड से भी आरंभ किए जा सकते हैं। जैसे यदि मैं पक्षी हो जाऊं, शुड आई बिकम ए बर्ड, शुड आई बिकम ए बर्ड। यदि वह रानी हो जाए, शुड सी बिकम ए क्वीन, शुड सी बिकम ए क्वीन। इस प्रकार ऐसे वाक्यों का अनुवाद ऐसे बनता है, सबसे पहले सपोजिशन क्लास वेयर और शुड लगा के सब्जेक्ट प्लस पीसी यानी इन पास्ट सिंपल के अंतर्गत, जैसे दिया हुआ इफ आई वेयर ए किंग और उसके बाद आई वुड मेक यू माई क्वीन, यानी दूसरे में उड लगा करके और क्रिया फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत आई हुई है। इस तरह से आपने देखा कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों का दो प्रकार से शर्त प्रकट करने वाले, एक था फ्यूचर टेंस में शर्त जो प्रकट की गई है, भविष्यत काल में जो शर्त प्रकट की गई है जिसके पूरा होने की संभावना रहती है, उसमें शर्त प्रकट करने वाले उपवाक्य का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं, दूसरे वाले में विल से लगाते हैं। और अगर शर्त कल्पना प्रकट की गई है जिसके पूरा होने की संभावना नहीं है, तो अगर होना वहां क्रिया आई है तो सभी कर्ताओं के साथ वेयर लगाया जाता है, लेकिन अगर दूसरी कोई क्रिया है तो सेकंड फॉर्म लगाया जाता है और आगे उड लगा करके क्रिया फर्स्ट फॉर्म की रख दी जाती है।